अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त मुश्ताक खान, और आप देख रहे हैं अपना वर्ल्ड सेंटर। तो आज की वीडियो में आपको कराची का सेटअप दिखा रहा हूँ। एक साल के बाद, पूरा एक साल हो गया, तो मैं ख़ुद भी विज़िट करूँगा, आप लोगों को भी कराऊँगा। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि क्या चेंजेस आए हमारे सेटअप में। जैसे आप पीछे देख रहे हैं, काफ़ी चेंजिंग आया हुआ है, भाई ने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया है। चलिए आपको दिखाता हूँ। अच्छा, सेटअप में पहले हमारे पास ये तीन कॉलोनियाँ थी, जिसमें एक में कॉकटेल था, एक में बजरी था और एक में फिंचेस थे। अभी माशाल्लाह बजरी तो सारे निकाल दिए भाई ने, सही है, बोलते सिर्फ दाना ही खाते रहते थे और कोई प्रोग्रेस नहीं था। बच्चे दुनिया के आ रहे थे और दाना ही वेस्ट हो रहा था। और जिस तरह से मार्केट चल रही है, आपको पता है मार्केट के जो हालात चल रहे हैं, तो बजरी रखना भी फजूल है फ़िलहाल। तो भाई ने एक कॉकटेल का सेटअप बढ़ा दिया है, ये देख सकते हैं। इस कॉलोनी में सारे कॉकटेल है, पाँच छः पेयर यहाँ पे लगे हुए, ये सारे इनो के स्प्लिट है, ये देख रहे हैं। इसी तरह से ये कॉलोनी है, अभी भी बजरी की मटकियाँ लगी हुई है, लेकिन सारा भी ये तीन मटकियाँ यहाँ पे लगाई हुई है कॉकटेल के लिए, और तीन यहाँ पे, यहाँ पे भी दस पेयर है, वो पाँच पेयर है, दस पीस है टोटल। प्रोग्रेस भी इनके शेयर करूंगा इंशाल्लाह आपके साथ, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में कि क्या प्रोग्रेस आ रहा है। इसके बाद ये कॉलोनी है, ये फिंचेस की कॉलोनी है माशाल्लाह। बस फिंचेस भी सारे सेल आउट कर दिए, कुछ मर गए बोलते हैं, उस तरह से केयर नहीं हो पाया जिस तरह होना चाहिए था। दूसरा, यहाँ पे कॉलोनी के अंदर चिपकलियाँ बहुत आ रही है, तो कुछ अंडे बच्चे वो खा लेते, उनकी भी रोज़ी रोटी लगी हुई है। तो यहाँ तकरीबन अभी आठ पेयर रह गए, अभी इसको भी बढ़ाऊँगा इंशाल्लाह, थोड़ा करके पाँच छः पेयर और छोड़ दूँगा तो चलो एक रौनक बनी रहेगी। इसके बाद ये सिंगल केज लगे हुए, इसमें भी कॉकटेल है, सही है, इसमें कॉकटेल का एक पेयर है और इसने भी बच्चे दिए हुए, बल्कि ये बाहर आ गए ये बच्चे, एक बच्चा ऊपर बैठा है और एक नीचे बैठा है। इसके बाद इस, ये भी केज एक, इसमें दो पेयर छोड़े हुए, एक इनो का पेयर है, दूसरा इनो का स्प्लिट है, ये भी अभी छोड़े, इसका भी इंशाल्लाह प्रोग्रेस आएगा। इसके बाद ये एक केज है, यहाँ पे भी एक पेयर है, इसमें एक दो तीन चार, ये दो यहाँ पे बैठे हुए ये बच्चे, एक ये जो ऊपर पल का है ये भी बच्चा है, और एक मटकी के अंदर है बच्चा, चार बच्चे इसने निकाले माशाल्लाह। और ये मादी है क्रीम की, और साथ में ये मेल बैठा हुआ है, ये पैर है इसके, पाँच छः का रेशू है माशाल्लाह। हर बार भाई बोलते हैं कि इतने ही पैर निकाल, वो बच्चे निकालते रहते। इसी तरह ये एक केज है, इसमें भी एक पैर है, वो अंदर बैठा हुआ है, इसने भी बच्चे निकाले हुए, छोटे छोटे बच्चे, कल मैंने चेक किए थे। अच्छा, ये हो गए, ये हो गए मेरे पैरेट सारे, वो कॉकटेल हो गए, दूसरे कॉलोनी में भी कॉकटेल है, यहाँ पे फिंचेस हो गए, ये भी कॉकटेल, यहाँ पे भी कॉकटेल, वहाँ पे भी कॉकटेल, अच्छा इधर अंदर भी है, यहाँ पे भी कॉकटेल है, ये देख रहे हो आप, एक इनो का स्प्लिट और इनो, एक ये पैर, एक ये दूसरा पैर जो है, सही है। इसके अलावा ये कबूतर भाई के पसंदीदा, इसमें हर नस्ल के कबूतर हैं और बड़े तगड़े लेवल के कबूतर हैं। ये भाई को पता है कि कौन कौन से नस्ल के कबूतर हैं, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छे नस्ली है, नस्ली कबूतर है, मतलब कुछ ये कबूतर है, कुछ ये है, यहाँ पे भी है कुछ,
कुछ छत पे भी बैठे होंगे कहीं, कुछ छोड़े दुनिया के कबूतर हैं माशाल्लाह, कबूतरों का बरमाल है वो, देख के ऊपर कुछ बैठे हुए। अच्छा इसके अलावा ये मुर्गे रखे हुए भाई ने, ये चीज़ मेरे अजीज, एक मुर्गा ये है। अच्छा एक मुर्गा यहाँ पे, ये इसकी घरवाली भी है साथ में, एक ये मुर्गी है, बल्कि दो यहाँ पे, एक वो पीछे और एक ये है मोटी, एक ये है मुर्गी देख रही है ताड़ रही है। सही है, ये मुर्गी हो गई और ये कबूतर माशाल्लाह देखिए रोटी खा रहे हैं, थपाटप थपाटप। तो ये सूरत हाल है अभी सेटअप का, ये हाल वाल चल रहा है। कॉकटेल माशाल्लाह बहुत बढ़ गए, बजरी उड़ गए सारे और फिंचेज आधे से भी कम रह गए, इसका अभी तरतीब चेंज करेंगे फिंचेज वगैरह का। और ये कबूतरों के लिए भी यहाँ पे अंदर कोई सेटअप वगैरह बनाएंगे इस शेड के नीचे, तो अभी थोड़े बहुत चेंजिंग आएंगे सेटअप में इंशाल्लाह, वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए ये हिसाब किताब चल रहा है। तो यही थी आज की छोटी सी वीडियो, सोच रहा था आपके साथ अपडेट शेयर कर लूँ। एक साल हो गया, एक साल के बाद ख़ुद भी विज़िट किया, आपको भी विज़िट करवा दिया सेटअप का। ये कराची का सेटअप है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक अपने भाई अपने दोस्त मुश्ताक खान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।